तो ये एक एंड आइलैंड और आज अपन इसको भयंकर तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। काम चोर भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो देखते रहो वीडियो। तो सबसे पहला काम है एंड स्टोन को हटा के ग्रास लगाना। बहुत मेहनत लगने वाली है, लेकिन अपन यूज लेंगे कमांड का। विल इट वर्क? नहीं यार, ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है, थोड़े कम ब्लॉक्स लेके देखते हैं। ओके भाई, काम कर गया। ओके, तो भाई थोड़ा सा टुकड़ा हो गया आइलैंड का, थोड़ा सा और हो गया। और लगभग 28 मिनट की आंखें फोड़ मेहनत के बाद ये सारा काम हो चुका है। बैकग्राउंड में BGM भी ऐसे विक्ट्री वाला चल रहा है। और थोड़ी मेहनत और थोड़े कमांड के बाद हमारे भाई ने थोड़ा प्लेन एरिया बना दिया। तो मैं अब सोच रहा हूं 1.5-2 घर भी बना दूं। अबे यार, मैंने गलती से बैड पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले तो आग बुझानी पड़ेगी, वरना पूरा घर जल जाएगा। ओके, तो भाई आग तो बुझ गई, लेकिन यार वापस बनाना पड़ेगा सारा गंवार। ओके, तो अभी मेरे घर के ऊपर तुम्हें कोई लाइनिंग दिख रही होगी, और इसके जस्ट आगे एक और ऐसी लाइनिंग है जहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसमें जैसे मैं मंत्र कमांड फूकूंगा तो एक बड़ा अच्छा खासा घर बनता हुआ आ जाएगा। 5-6 घर और चिपका दिए, और अभी ये एंड डायमेंशन में एक कॉलोनी टाइप लग रही है। और मेरे ख्याल से हाँ भाई, सही कमांड है, और अपनी रोड भी बन चुकी है। और इसका अगर डिवाइडर ऐसा बनाए तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है। या फिर अपन व्हाइट लगाए तो ज्यादा बढ़िया लगे, लेकिन व्हाइट की सीधी पट्टी अच्छी नहीं लग रही, तो उसको भी थोड़ा दूर दूर रखेंगे। एक बड़ा सारा पेड़ उगा देते हैं, और रोड के अगल बगल में छोटे छोटे पेड़, लेकिन ये मार रहे मेरे रोड की रेड़ पत्ती काटो। बाकी खाली जमीन पे भी पेड़ उगा देता हूँ। एक सेकंड भाई, सनफ्लावर तो सन की जगह पॉइंट करता है ना, तो यहाँ पे तो सन ही नहीं है। तो खाली जगह पे पेड़, घास फूस और फूल उगाने के बाद ये एरिया थोड़ा बढ़िया लग रहा है पहले वाले से। विलेज के साइड में एक लावा पूल बना देता, और इसके आसपास पत्थर लगा देते, क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, पानी के 1-2 झरने जो मौत की तरफ लेके जाते हैं, इसलिए कहीं भी स्विमिंग पूल देख के कूद नहीं जाना चाहिए। खेत बना दिए, बीज बो देता हूँ। अब यहाँ के लोगों को अगर आगे वाले आइलैंड पे जाना हो तो वो क्या उड़ के जाएंगे? वैसे तो उड़ के जाएंगे, लेकिन अपने को टोल टैक्स भी वसूलना है, इसलिए अपन यहाँ से एक ब्रिज बना देंगे। यहाँ पे एक खंबा गाड़ देते हैं, और एक जापानी स्टाइल गेट, इसलिए कहता हूँ माइनक्राफ्ट खरीद के खेलो। तो अपना द्वार दरवाजा रेडी है भैया, वैसे लग रहा है कि भूकंप आया और एक खिसक गया साइड में। एंडी साइड की वॉल, और यहाँ पे स्टोन कोबाल्ट, कोबलस्टोन। तो रोड के पास है पतली गली, ध्यान से आना क्योंकि यहाँ पे हो सकती है चिपकली। आई नो, मेरा जोक सुनने के बाद तुम बोल रहे होगे कि ये टट्टी किसने की है। तो ये ब्रिज उस वाले आइलैंड से कनेक्ट हो जाता है, थोड़ी भीड़ बढ़ा, और गरीबों को नौकरी देने का काम भी मोदी जी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से तो कुछ होने वाला नहीं। इस विलेज में सारे पढ़ लिख के डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेंगे। ये आ गया आयरन भाई। एंड में 24 घंटा रात है, तो तुम क्या 24 घंटे सो गए? अबे भाई, मैं बेड तोड़ रहा था यार। भाई यार, मैं भी पत्थरों के घर नहीं बना सकता था क्या यार? भाई यहाँ पे तो एक प्लेग्राउंड बन गया, और अभी जानवरों का प्लेग्राउंड बन गया। तो अब इंट्रोड्यूसिंग टेक्सचर पैक। ओ भाई साहब, क्या लुक आ रहा है। भाई अपन ने करा कुछ भी नहीं था, ये जो रिसोर्स पैक है ना, इसकी वजह से बढ़िया लग रहा है। तो आज ज्यादा ही मेहनत कर ली, इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना। वीडियो मस्त लगी हो नहीं लगी हो लाइक कर देना, चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग व्रूप।